हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास रोब्लॉक्स में ये एरर आ रहा है 523, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर वन, आपको रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विंडो ओपन हो गया है। आपको लोकल फोल्डर ओपन करना है और आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है रोब्लॉक्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रोब्लॉक्स फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर इस फोल्डर को आपको सिंपल यहाँ से डिलीट कर देना है इस तरीके से। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं रोब्लॉक्स फोल्डर डिलीट हो गया है। आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर टू, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आप यहां पर इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहां पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आप क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए। आप जो भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसके बाद यहां पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, और यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है। फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर थ्री, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर कमेंड टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक और कमेंड आपको टाइप करना है, इस तरीके से आपको टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहां पर कमेंड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर फोर, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको यहां पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहां पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सी ऑल डाटा एंड परमिशन इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है रोब्लॉक्स। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोब्लॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आप इस एरो पर क्लिक कर इसको एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पर इसके कुकीज़ को आपको डिलीट कर देना है इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके कुकीज़ डिलीट हो गए हैं। फिर आप जो है इसको भी यहाँ से डिलीट कीजिए। उसके बाद आप गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर फाइव, आपको रोब्लॉक्स एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास ये रोब्लॉक्स एप्लीकेशन है, इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है और यहां पर कंपेटिबिलिटी टैब में आने के बाद आपको यहां पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इस वाले बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।